वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आकाश कुमार, स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो में। तो आज अभी 7 बजने वाले हैं और आज का तारीख है 11 तारीख। और कई दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था क्योंकि बहुत से रीज़न है, क्योंकि बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले होते हैं। जैसे कि कुछ लोग हमको बोलते हैं कि यार तो वीडियो हम खाली गाड़ी देख देख के हम पगला गए लिए और ना देखे मन करो, तो ऐसे लोग हमको डिमोटिवेट किए थे। बट मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं उनको मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको गाड़ियों से जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे मशीन से प्यार है और मैं मशीन्स के बारे में ही वीडियोस बनाऊंगा हमेशा। मैं हमेशा गाड़ियों के आसपास ही रहूंगा, तो जाहिर सी बात है मैं गाड़ियों के बारे में ही बताऊंगा, गाड़ियों के बारे में ही डिस्कस करूंगा। तो अगर आप भी कार या बाइक लवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग झील पर आए थे एक्टिविटी के लिए, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं टाटा मोटर्स ज्वाइन किया था ताकि मैं यूट्यूब अपने अच्छे से चला सकूँ, इक्विपमेंट खरीद सकूँ। बट यहाँ जब से आया तब से बस गाड़ी बेचने में इतना मगन हुआ कि मैं अपने YouTube पे ब्लॉग भी नहीं डाल पा रहा हूँ। बताइए ये क्या मतलब हुआ। मैं ज्वाइन किया था YouTube को आगे ले जाने के लिए, और यहाँ ज्वाइन करने के बाद मेरा YouTube और ही नीचे जाने लगा धीरे धीरे करके। तो उस पर अब थोड़ा ध्यान देना है। मैं कोशिश करूँगा सप्ते में 2-3 वीडियो तो डाल ही दूँ, इसलिए मैं आज से लग गया हूँ। अभी जाते हैं रूम पहले, तो प्रेस से रेडी होते हैं, उसके बाद गुड मॉर्निंग दीपक भाई। दीपक भैया हमारे दीपक भैया हमारे टाटा मोटर्स के एक्स एम्प्लॉय, उनका कहीं अच्छे जगह में हो गया तो वो छोड़ के चले गए। जैसे कि आप हमारा सबसे यूट्यूब को थोड़ा ऊपर ले जाइए, हम भी यहाँ से निकल लेंगे धीरे से करके। अनुभव सर हमारे कहाँ हली दादा, तो हैं सुबह 6 बजे 5 बजे हम लोग उठ गए थे, ये जाने टाइम पूरा एकदम बड़ा बड़ा बात करके गए हैं कि सब रेडी हो जाना, अभी ये आए हैं जब हम लोग जाने का टाइम हो गया तब। बताइए हम लोग अभी मॉर्निंग एक्टिविटी में, यार हम लोग जब शुरू में आते थे ना मॉर्निंग एक्टिविटी में तो बहुत बेकार लगता था कि यार कौन जाएगा सुबह से सुबह, लेकिन जब एक बार आया ना तो हम लोग को आदत लग गया कि मॉर्निंग एक्टिविटी के बहाने एक तो पहले जल्दी उठ जाते हैं, और दूसरा झील में आके हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, मस्त इंजॉय करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। कस्टमर आए या ना आए हमें तो मज़ा आ जाता है। हम गांव में होते हैं तो अपना तो तालाब है उसमें डूब के नहा रहे होते हैं आजकल के टाइम पे, बट यहाँ झील पे डर लगता है। और दूसरी बात कि टाइम भी नहीं मिलता कि हम लोग यहाँ आके झील में नहाएं, बट अगर अभी गाँव में होते तो पक्का एकदम तालाब में जाते नहाने, कुनाडे में जाते, नदी नाला हर जगह जाके नहाते इस गर्मी में। पहले तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से क्योंकि सर का मैसेज आ रहा है कि हजारीबाग का माहौल जो है अभी कुछ ठीक नहीं है। धारा 144 अभी लागू है घर पर, फिर भी देखते कैसे कैसे लोग हैं यार, जब देखो तब इनका शॉर्ट्स चलता रहता है। इन्हीं सब लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना है, अब हमें भी रील्स पे जाना है, रील बनाना है, तो आप जाके हमें इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं ताकि आप भी मेरे रील्स देखें। आकाश पीछे खुला है, इधर बैठा है सर, खुला है आकाश इधर बैठा है, अरे पीछे खुला है डिक्की मेरे भाई, दरी रखना। हम लोग हैं छोटी जन्नत यानी कि हमारा लीलामर पीताम्बर चौक, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मस्त अनुभव सर यहाँ जलेबी खिला रहे हैं और आप गाड़ी में बैठे हैं, ये सब मौका बार बार आता है। अरे खाली जोड़े देने, जोड़े पे जलेबी नहीं दीजिएगा सवाल कैसे आएगा चाचा। जलेबी लाओ चाचा, जलेबी बिना जलेबी पार्टी तो हमारे तरफ से, बट बिल भरेंगे अनुभव सिन्हा जी। सिन्हा जी बिल पे किया जाए, हो गया तब चला जाए। थैंक यू सर जलेबी पार्टी के लिए, बाय, मिलते हैं फिर। सुबह के 9 बज रहे हैं, हम यहाँ चने खा रहे हैं। हमारे मिस्त्री जी ने अभी कहा ना कल, तभी सुबह के 9 बज रहे हैं, 7 बजे हम झील से निकले थे, और यहाँ खाना अभी जब बनाने का टाइम आया तो हमारे मिस्त्री जी ने कहा कि हल्दी नहीं है, तो हम लोग अभी हल्दी लेने जा रहे हैं। और अभी चिल हैं क्योंकि सुबह हम 5 लगा कर ऑफिस से आ गए, तो लेट भी होगा तो चलेगा, बट सुबह उठने का अपना एक अलग मज़ा है। सुबह उठे तो जल्दी टाइम से पहले नहा भी लिए, अगर लेट से उठते तो ना ही हम वीडियो बना पाते, ना ही हम टाइम से खा पाते, ना ही नहा पाते, बट आज टाइम से खाना नहीं बना, बट कोई दिक्कत नहीं, जाते हैं हम लोग हल्दी लगाते हैं सेठ जी के पास। और हल्दी कैसे लीटर है सेठ जी? 10 रुपये लीटर। हजारीबाग में 144 लागू है, बिकी भैया हमारा आप इधर घुमा रहे हैं, बताइए। गाड़ी का ट्रेन जैसा जो आवाज़ है ना बिकी भैया, इसको भी ठीक करने के लिए हम लोग आए हैं बजाज शोरूम, यहाँ से हम लोग को लेना है पार्ट्स।
आकाश जी पार्ट्स खुला है, पार्ट्स मिलेगा। ठीक, इससे मैंने सुबह ही बोला था जिसको जो गाड़ी से लगा हुआ है वो मुझसे लगाव रख सकते हैं। गाड़ियों के बारे में हर चीज़ डिटेल देता रहता हूँ, तभी मैं आपको पल्सर 150 UG बैक डिस्क का आपको प्राइस बताता हूँ। देखिए अभी सारा सामान हमने ले लिया, सारा अभी हिसाब हम लोग शोरूम जाके क्लियर करेंगे क्योंकि यहाँ धूप बहुत है। चलिए बिकी भैया, बिल ये डिस्पैच, ये मुझे बैक 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 टायर का था जो कि 218 रुपये पड़ा था और 99 रुपये प्लग प्लग का दो पीस मैंने लिया। फिर गाड़ी में छींक मार रहा था, वो ब्लास्ट दे रहा था साइलेंसर, तो इसके लिए मैंने ये भी चेंज करवा दे रहा हूँ। और ये ब्रेक तो आवाज़ चेक कर रहा था, मेरे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए क्योंकि अपन है बाइक लवर, तो बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए था। अभी जाते इसको बिकी भैया के चाहे बिकी भैया कहाँ जाएंगे हम लोग, रॉकी हैंडसम के पास, रॉकी हैंडसम के पास अभी जाते हैं, इसको हम लोग लगवा के आते हैं। चलिए, ब्रेक सुख ख़त्म नहीं हुआ लेकिन ये हार्ड हो गया गाड़ी, क्योंकि बहुत दिनों से खड़ा था इसके लिए ये हार्ड हो गया, सूख गया ब्रेक सुख, इसके लिए आवाज़ करा टैं टैं टैं। देखते हैं चेंज करवा के कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं। शाम के 6:45 हो चुके हैं और हमारा ऑफिस टाइम भी ख़त्म हो गया। दिन भर हमारे हज़ारों में भी 144 लागू है, तो कोई भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते, इसलिए आज ऑफिस से हम लोगों को बाहर भी कहीं जाने नहीं मिला था। तो दिन भर हम लोग बस ऑफिस में ही बैठे थे और अभी पंच मारते हैं और निकलेंगे घर, और कल भी ड्यूटी है। गाड़ी वाड़ी भी हम लोग बनवाने गए थे तो वो भी मैं डिटेल में नहीं बताया था, तो वो भी डिटेल शेयर करूँगा। गार्ड जी कितना सपोर्टिव है, हम देख रहे हैं, चुप वीडियो बना रहे हैं, टेंशन लिखा तब। हम लोग आज रॉकी भाई के पास गए थे ब्रेक बनाने, बट ब्रेक का पैड तो चेंज कराया, आवाज़ बंद हो गया, लेकिन ब्रेक ही पकड़ना बंद हो गया, घर घर से आवाज़। अरे भाई हमें पेट्रोल पंप पे हमें खाना मिले ना मिले उससे कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में पेट्रोल ना रहे तो चैन नहीं आता। परसों ही रिजर्व आया था और ये 355 किलोमीटर में डलवा रहे, देखते कितना दिन चलता है। भैया 500 के दे विथ बिल। मात्र 3 खुट्टी उठाया है जो कि इसका कोई गारंटी नहीं है एक दिन में ये आपका कम भी हो जाएगा, फिलहाल इसको मैन में कर देते हैं। इसका माइलेज जो मुझे मिलता है बहुत ही घटिया मिलता है, 30-35 से ज़्यादा कभी माइलेज हमको नहीं मिल पाता है अभी इस गाड़ी में जब तक हम एब्जॉर्ब किए हैं। अब देखते हैं कभी माइलेज टेस्ट करेंगे और आप लोगों को उसका भी वीडियो दिखाएंगे, अभी जाते हैं फिलहाल रूम। वेल तो हम ऑफिस से आ गए, पर देखिए हमारे मिस्त्री जी भी खाना बना रहे हैं। मिस्त्री इधर देखा, बहुत दिनों से चल गए थे रूम छोड़ के, लेकिन वापस इनका कमबैक किया गया है क्योंकि मिस्त्री का कमी हो रहा था हमारे पास, नरेश जी पर ज़्यादा लोड पड़ रहा था, इसलिए हम लोगों ने इनको वापस पवेलियन से बुला लिया है ताकि हम लोगों को थोड़ा दिक्कत ना हो। अरे टैलेंट दे रहे लड़का, अरे राहुल एक बार करें राहुल टैलेंट किरा है लड़का अभी। वेल तो अभी दूसरा दिन है क्योंकि कल मैं वीडियो एंड करना भूल गया था, रात में सो गया, जब एडिट करने लगा तो देखा कि वीडियो का एंड ही नहीं है, सुबह लेट से उठा तो एंड ही नहीं कर पाया। वेल तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है छोड़, रजौरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है पागल है।